हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतनगर एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर टुडेज सेशन। यार, आज के सेशन में हम एक ज्योमेट्री का बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है और उसके एक एंगल को ट्राइसेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, वो सामने वाले साइड को तीन सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें एक सेगमेंट का लेंथ 3 यूनिट्स है, एक का लेंथ 4 यूनिट है और तीसरे सेगमेंट का लेंथ हमें बताना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कैच क्या है? कैच ये कि भैया हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ नहीं करना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बिना हमें इस क्वेश्चन को करना है एंड स्टिल मतलब मैनेजेबल है। लेट्स सी आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो या नहीं। ठीक है, अगर आपका ये क्वेश्चन हो गया, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताओ कि आपका क्या आंसर आया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। जैसे लेट्स से ABC हम ट्राइंगल मान लेते हैं, राइट एंगल डेट बी एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज ई। तो ये हमने कुछ कुछ चीज़ें मान ली। अब सबसे पहले तो आपको ये दिखेगा AD एक एंगल बाइसेक्टर है ABE ट्राइंगल का ना। लेट्स अज्यूम दीज एंगल्स टू बी थीटा थीटा एंड थीटा। अब ABE ट्राइंगल का AD इज एंगल बाइसेक्टर, सिमिलरली ADC ट्राइंगल का AE इज एंगल बाइसेक्टर। अब किसी भी ट्राइंगल में देयर इज अ प्रॉपर्टी एंगल बाइसेक्टर की, दैट एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ठीक है, तो जैसे लेट्स से ABC एक कोई भी ट्राइंगल थी एंड AD इज एंगल बाइसेक्टर, तो BD अपॉन DC दैट शुड बी इक्वल टू AB अपॉन AC। तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को जिस रेशो में डिवाइड करते हैं वो रेशो एक्चुअली साइड जिस रेशो में बनी होती है उसी रेशो के इक्वल होता है। ठीक है, तो पहले तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। कैसे? अब देखो, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल ABE का, ठीक है, तो कैन आई से AB अपॉन AE दैट इज एक्चुअली इक्वल टू BD अपॉन DE एंड BD अपॉन DE हमें दिया हुआ था 3/4। तो प्रैक्टिकली AB को अगर मैं 3x मानता हूँ तो AE मेरा 4x हो जाएगा, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब बट ABE जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABE, वो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? 3x स्क्वायर्ड प्लस BE स्क्वायर। BE कितना बन गया आपका? 7 स्क्वायर है ना, दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर्ड। तो ये बन जाता है 9x स्क्वायर प्लस 49, दैट इज इक्वल टू 16x स्क्वायर। सो 49 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर, एक 7 का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा तो x कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 7। तो इसका मतलब अब ये साइड पता लग गई और ये साइड पता लग गई, तो इसको अपन लिख देते हैं, है ना। तो ये 3x मतलब 3√7 और वो 4x मतलब 4√7। तो ये इन्फ्रेंसेज अब हमने निकाल लिए, AB कम्स आउट टू बी 3√7, AE कम्स आउट टू बी 4√7। अब देखो, क्या आप AD निकाल सकते हो? अगर हम ट्राइंगल ABD की बात करें, ABD ट्राइंगल में विच इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगा पाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना हो गया? 3 स्क्वायर टाइम्स 7 प्लस BD स्क्वायर, BD स्क्वायर इज 3 स्क्वायर। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर। तो AD कितना आ जाएगा? यहाँ से 3 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 3√8 विच इज 2√2। ठीक है, तो AD हमारा बन गया 6√2। AD लेंथ भी हमने फाइंड आउट कर ली 6√2। ठीक है, अब AC लेंथ हमें नहीं पता क्या है और EC लेंथ भी हमें नहीं पता क्या है, इनफैक्ट हमें EC लेंथ निकालना है। ठीक है, अब अगर आप ट्राइंगल की बात करोगे, ट्राइंगल ADE, ठीक है, इसमें AE इज एंगल बाइसेक्टर, ये समझ में आना चाहिए सबको। ADE ट्राइंगल में AE इज क्लियरली एंगल बाइसेक्टर। अब अगर AE एंगल बाइसेक्टर है तो कैन आई से AC अपॉन AD दैट इज एक्चुअली इक्वल टू CE अपॉन EC। ठीक है, AC अपॉन AD एंगल बाइसेक्टर यही तो करता था ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी देखी थी। तो AC अपॉन AD दैट इज इक्वल टू CE अपॉन EC। AC हमें पता है? नहीं पता। क्या AD के बारे में पता है? यस, AD इज 6√2। क्या CE के बारे में पता है? CE तो हमें निकालना है, विच इज x, सॉरी CE अपॉन ED। क्या ED के बारे में हमें पता है? यस, ED इज 4। ठीक है, तो यहाँ से AC कितना आ गया? यहाँ से हम AC बता सकते हैं, AC विल कम आउट टू बी 3√2x/2।
है ना, एक टू का फैक्टर कैंसल आउट हो रहा है ना यहाँ पे, तो थ्री रूट टू एक्स बाई टू ये ए सी आ गया। ठीक है, अब देखो, अब बस अब काफ़ी क्लोज है अब हम फाइनल आंसर के। अब अगर आप ट्राइंगल ए बी सी की बात करोगे, नाउ इफ यू टॉक अबाउट ट्राइंगल ए बी सी, अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी में। अब वट इज ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर क्या है, थ्री स्क्वायर टाइम्स सेवन प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर क्या बन रहा है, थ्री प्लस फोर प्लस एक्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना बन रहा है, नाइन मल्टीप्लाइड बाई टू अपॉन फोर एक्स स्क्वायर। अब होल स्क्वायर बोलते हैं तो दिस इज 63 प्लस सेवन स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, किस चीज़ के इक्वल आ रहा है, एक टू तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 9x स्क्वायर बाई टू। ठीक है, 63 प्लस 49 हो गया आपका 112 है ना, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वी विल गेट 224 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 28x दैट इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। ठीक है, और 2x स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर ले जाओ तो 7x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 224 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक हमारी आ गई, मैं क्वाड्रेटिक को नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ, 7x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 224 इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक आई थी, इसको अब हमें सॉल्व करना है। यहाँ से क्लियर, एक 7 का फैक्टर तो खत्म हो रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस ये कितना मंत्र है 32 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम साफ दिख रहे हैं फैक्टर्स 8 and 4 है ना, तो x माइनस 8 एंड x प्लस 4 ये इसके फैक्टर्स हो गए, क्लियरली साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x शुड बी इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये जो साइड है थर्ड साइड की 8 के इक्वल होगी। तो एज यू कैन सी यार, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कुल मिलाकर दो ही चीज़ें यूज हो रही हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वही चीज़ बार बार रिपीटेडली यूज़ हो रही हैं। कौन सी दो चीज़ें, एक तो एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट जो आपके 10th में या 9th में रहता है ना, आपकी टेक्स्ट बुक में रहता है, एंड एक पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो बहुत स्टैंडर्ड सी थ्योरम है। तो ये ट्रस्ट में, मतलब दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एज फार एज मैथ्स ओलंपियाड इज कंसर्न। मैथ्स ओलंपियाड के हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें हम विदाउट ट्रिग्नोमेट्री भी प्योर जो ज्योमेट्री वाला सॉल्यूशन होता है, प्योर ज्योमेट्री से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो होपफुली यार ये समझ में आया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एंड देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम अपने मैथ्स ओलंपियाड के बैचेज में, बहुत सारे बैचेज में इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ग्रेड, योर ग्रेड की आप कौन से ग्रेड में हो। आप अगर किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सभी बैचेस की, सभी एक्टिव बैचेस का लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रेड आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो ना, जो भी आपके ग्रेड में आप अकॉर्डिंगली उस रोल कोर्स में आप चेक कर सकते हो उसको। ठीक है, एंड डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे एंड इस टाइप के कॉन्सेप्ट बहुत सारे हमारे रेगुलर क्लासेज में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे है ना, विद अ न्यू क्वेश्चन विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।